जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन ध्यान रखें इस वीडियो को केवल बॉयज ही देखें, क्योंकि ये वीडियो केवल लड़कों के लिए बना रहा हूँ। स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन, प्राइवेट पार्ट्स से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उनके आंसर कर पाना भी मतलब थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता था, इसीलिए मैं कमेंट्स काफ़ी पढ़ा, उसके बाद में एक ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स पे, कि उनके कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, किस किस का पॉइंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा साइड में झुका हुआ है, एक गोली थोड़ी छोटी हो रखी है, एक थोड़ी सी बड़ी हो रखी है, एक कुछ ज़्यादा ही नीचे है, एक थोड़ी सी ऊपर है, या जो लिंग की जो पोजिशन है वो भी साइड में झुकी रहती है, टेढ़ा रहता है, इसका सर कोई पॉइंट तो नहीं होगा। और जो पीछे के बवासीर के पाइल्स के इस प्रकार के और भी जो पॉइंट बताते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए कौन कौन सी स्थिति में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कौन कौन सी स्थिति से आप छुटकारा भी पा सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका छुटकारा नहीं, आज के समय में हर एक समस्या का समाधान है, ठीक है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान है, कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो आपको भी मैं कुछ ऐसे समाधान बताऊंगा इन बीमारियों के, जिनसे आप बच सकते हो और मेडिकली फिट हो सकते हो एसएससी जीडी में और आर्मी में, ठीक है। कौन सा आरबी में हो सकता है, कौन सा एसएसजीडी में हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीछे से शुरुआत करते हैं, हिप से। आप सभी को पता, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जहां पर, या जो बच्चा मेडिकल दिया उसको पता भी है कि वहां पर जब आप सबसे पहले आपका प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल करते हैं तो आपको सबसे पहले झुका देते हैं और फिर आपसे खंसाते हैं। खंसाते क्यों है कि जब आप खांसते हो झुककर तो पीछे का होल ऑटोमेटिकली ओपन होता है और आपसे पकड़ के ओपन भी कराया जाता है कि ऐसे पकड़िए और फिर खांसिए, जोर जोर से, जितना जोर से खांसोगे उतना होल ओपन होगा। तो वहाँ पर वो चेक करते हैं बेटा पाइल्स। बहुत सारे बच्चों के हो जाती है पाइल्स या बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो पाइल्स और बीमासीर, पाइल्स क्या होती है कि एक बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट सा सर्कल बन जाएगा पीछे हिप में, ठीक है, पीछे के होल में वाइट वाइट सा सर्कल बन जाएगा। और जो वाइट सा सर्कल बनेगा वो उनको जैसे ही आप खांसोगे उनको पता चल जाएगा कि इस बच्चे के पाइल्स है या नहीं, ठीक है। तो अब एक तो ये एक बवासीर, कई बच्चों के क्या होता है कि हिप के अंदर से ऐसे कट लग जाते हैं, बवासीर जिसको मसा भी बोलते हैं, वो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि वो बहुत सारे लोगों को ऐसे होती है, तो उसकी वो प्रॉब्लम बहुत ही भयंकर है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों की जान हलक में आ जाती है उस प्रॉब्लम से। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे बच्चों में भी होने लगी है। वो ज़्यादा चटपटा अटपटा खाने इनकी वजह से ज़्यादातर होती है, चटपटा अटपटा आपको ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इनकी वजह से ही वो ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का, एक तो अगर आपको पाइल्स भी है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कोई लड़के को है तो वो सिगरेट विगरेट ना पिए या ना ही चटपटा ज़्यादा खाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो बेटा अगर आप ऑपरेशन करा के या किसी भी आयुर्वेद से तैयार करा के किसी भी कंडीशन में आप अगर इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करा लेते हो तो आपको एसएससी जीडी मेडिकल में करते ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आप एसएससी जीडी के मेडिकल में क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपके अभी प्रेजेंट टाइम में पाइल्स भी है और बवासीर भी, दोनों में से अगर कुछ भी है लेकिन आप उसका अगर इलाज करा लेते हो, वो किसी भी कारण से आप ठीक करवा लेते हो, तो फिर आपको मेडिकल में उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो मिल भी जाता तो रीमेडिकल के लिए आपको फिर से समय मिलेगा। उस समय के बीच में भी आप अगर तैयार करा सकते हो पाइल्स की बीमारी को तो बिल्कुल आप मेडिकली फिट हो सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको कराना क्या है, ये नहीं कि अभी पाइल्स है वो पाइल्स ही रहेगी तो पॉइंट नहीं रहेगी, तब तो पॉइंट पक्का ही है। लेकिन अगर आप उसको ठीक करा लेते हो तो फिर वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आपको विशेष मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, फिर वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अब बवासीर वाला, बवासीर के कई बच्चे ऑपरेशन की बोलते हैं सर हमने बवासीर का ऑपरेशन कराया है, या कुछ आयुर्वेद से भी तैयार करते हैं, चाहे कोई से भी तैयार करो, आपकी कुल मिला के बात होनी चाहिए तैयार। अगर तैयार है तो एसएससी जीडी के मेडिकल में आप पास हो जाओगे, आर्मी के मेडिकल में पास नहीं होगे। आर्मी के मेडिकल में आपको देखते ही बाहर काट दिया जाएगा, सीधा अनफिट कर दिया जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में आपके मेडिकल में पास हो जाओगे अगर आपने ऑपरेशन से भी अगर वो तैयार कराया और अगर वो ठीक पाया गया उस समय, मेडिकल के समय आपका लग भी अच्छा रहा तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। अब इसके बाद में आते हैं आगे के पार्ट पे। ज़्यादातर जो देखने में आती है वो होती है अंडज या वर्षण के लिए। बहुत सारे हाइड्रोसिल की जो ये बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि कईयों के छोटा होता है, कईयों के तीन होते हैं, कईयों के दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, कईयों की वो थोड़ी सी डिसबैलेंसेज होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको सबसे पहले, अब जिनके तीन है वो तो मेडिकली अनफिट है लेकिन शरीर में उनकी कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर है या ऐसा कुछ, वो कुछ नहीं है, लेकिन वो भारतीय जो अपनी फोर्सेस है इनके हिसाब से दो ही गोलियों ने आपकी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। दूसरा पॉइंट, जिनका वो डिसबैलेंस है, कईयों का थोड़ा सा ऊपर और नीचे रहता है इधर गोली, ठीक है, ऊपर नीचे रहता है,
तो जो डिसबैलेंस है ना उसका पॉइंट नहीं, आपकी दो गोली होनी चाहिए प्रॉपर। अगर हल्की फुल्का उसमें फ़र्क भी है 19-20 का तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो जब ऐसे पकड़े तो उनके हाथ में दोनों गोली हो जानी चाहिए। अब कईयों की क्या होती है, वो गोली बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है, मतलब एक गोली इधर एक इधर, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है। दोस्तों आप इसके लिए डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हो, और अपनी जो लिंग की साइज़, कई बार लिंग की साइज़ की वजह से, लिंग एक साइड में रहने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखें, दूसरी साइड में करें, ताकि अगर वो नीचे आ सके कैसे भी गोली, तो अगर वो नीचे आती है, अगर थोड़ा सा भी नीचे आ जाती है, अगर उनकी साइज़ में फ़र्क नहीं है तो वो नीचे भी आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना उसका आपको कोई पॉइंट मिलेगा। अब कईयों का क्या होता है कि उसमें वर्षण में पानी भर जाता है, यानी बहुत ही बड़े बड़े वर्षण हो जाते हैं, तो दोस्तों वो तो मेडिकली फिट हो, मतलब फिट हो सकता है, अगर आप उसका पानी, वो डॉक्टर ऐसे इलाज आ गए हैं जिनकी वजह से उसका पानी वो नहीं होता है, वो बीमारी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो उससे भी आप मेडिकली फिट हो सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप कईयों का एक बहुत बड़ा है, दूसरा बिल्कुल छोटा सा है, ये है ही नहीं, तो उसकी प्रॉब्लम का तो आपको सिर्फ डॉक्टर ही निदान दे सकता है, बाकी ऐसी कंडीशन में आप मेडिकली फिट नहीं होगे। मैं आपको सीधा बताता हूँ, ऐसी कंडीशन में आप मेडिकली फिट नहीं हो पाओगे, या आपके अगर एक ही वर्षण है, एक ही अंडाज है, तो भी आप मेडिकली फिट नहीं हो पाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आप कोई मेडिकली फिट नहीं हो सकते अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आप करा सकते हो उसको ठीक तो करा लीजिए, अगर आपके पानी भर रखा है, या आप डॉक्टर से सलाह करिए। अब बात करते हैं लिंग की। अब कई बच्चे बोलते हैं सर साइड में है, एक साइड में रहता है या टेढ़ा रहता है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, किसी भी हिसाब से रहे उसका कोई ना ही SSC GD के मेडिकल में होल इज़ नॉट प्रॉपर वाला पॉइंट है, जो आर्मी के मेडिकल में दिया जाता है। अगर आप आर्मी के मेडिकल में जाओगे, आपका होल ऊपर नीचे है, तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। कई बच्चों के दो होल है तो उनको मेडिकली फिट नहीं किया जाएगा, ना ही SSC GD में, ना ही आर्मी में, उनको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप देने ज़रूर जाना मेडिकल, तो उसका कोई इलाज हो सके तो आप बिल्कुल इलाज करा लीजिए। एक फोमोसिशिया, मतलब जो चमड़ी होती है लिंग की, कई बच्चों के ऊपर नहीं जाती है, तो जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनकी वो चली जाती है, क्योंकि उनके बचपन में ही वो कर देते हैं, ठीक है। तो जो अब बाकी जो बच्चे होते हैं, कईयों में ऐसी होती है कि वो चमड़ी ऊपर ही नहीं जाती है लिंग की, और जो चमड़ी जब ऊपर नहीं जाती है तो उसका पॉइंट बनता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसके 3-4 हज़ार रुपये का एक ऑपरेशन होता है, वो चमड़ी तब तक वहाँ से काट दी जाती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, तो आप वो भी वो करा सकते हैं, अगर आपको मेडिकल पॉइंट मिले उसके बाद में भी ये करा सकते हैं। तो वो तो कोई पॉइंट नहीं है, तो लिंग का तो आपको कोई पॉइंट नहीं है, ना होल इज प्रॉपर का पॉइंट मिलता है SSC GD में, ना ही वो चमड़ी वाला। अगर मिलता है तो आप उसका इलाज है, आपको 3-4 हज़ार रुपये लगेगा, उसकी बिल्कुल कट कर देंगे, उस चमड़ी को कट ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं, चमड़ी कट करके उसको ऊपर कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं उसका। और साइड बैलेंस वाला वो कोई पॉइंट नहीं होता है। तो जो हाइड्रोसिल, जो अंडज का या वर्षण का जो पॉइंट होता है, उसमें अगर आपका पानी भर रखा है तो आप डॉक्टर से बात करिए, या दो गोलियां ऊपर नीचे हो रखी है काफ़ी, लेकिन साइज बराबर है, तो भी आप डॉक्टर से मदद लीजिए और वो ठीक हो जाती है दोस्तों। तो इन बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब आपके और कौन कौन सी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।